तो वहीं देखिए पानीपत में अभी से जश्न भी शुरू हो गया है। पंचायत और सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा ने अपने कार्यालय में लड्डू बांट दिए हैं। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है उन्होंने, कहा है कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। सुनिए जरा। देश में लोकसभा की मतगणना शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर हरियाणा के पंचायत मंत्री अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने कार्यालय में मतगणना के रुझानों का देख रहे हैं, किस प्रकार से प्रदेश के अंदर किस प्रकार से अलग अलग पार्टियों का रुझान आ रहा है। हमारे साथ महिपाल ढांडा पंचायत मंत्री, उनसे बात करते हैं इस समय क्या स्थिति लग रही है, रुझानों से क्या लग रहा है। सर आपको क्या रुझानों से क्या लग रहा है? सर शुरुआती रुझानों में जो भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत दिखाई दे रही है, ये आखिर तक बनी रहेगी। और हम लोगों ने शुरू से ही कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार को दोहराएगी। लोगों में जिस तरह का जोश, जिस तरह का उत्साह हम लोगों ने देखने को मिला है, और जिस तरह से मोदी जी के काम की ऊपर मोहर लगी है, मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट में कोई दिक्कत आएगी। 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी जीते। देखिए बड़े चेहरे हैं, स्वाभाविक बात है कि जब वो जीत कर जाएंगे तो करनाल को एक बड़ी सौगात मिलेगी। सर एक सूचना भी आ रही है कि कहीं ना कहीं मनोहरलाल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, ऐसी कोई संभावना है? मेरे तो नॉलेज में ऐसी कोई बात है नहीं, मगर अच्छी बात है कि हमारे सांसद, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता हैं, वो बड़े बने, इसमें हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है ना। ऐसा चुनाव हमने पहले कभी देखा नहीं। जैसे गांव में सरपंच का चुनाव लड़ा जाता है, ऐसे चुनाव लड़ा गया है। और ये हम बता दूं कि बहुत विधानसभा के परिणामों के आसपास होगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में भी सरकार बनाएगी। देखिए जिस प्रकार से चुनाव जो परिणाम आएंगे उसका कहीं ना कहीं असर विधानसभा के चुनाव में दिखेगा, ये जरूर है कि मनोहरलाल अगर जीतते हैं तो उन्हें पार्टी की तरफ से कोई बड़ी सौगात मिलेगी और विधानसभा चुनाव में भी भाजपा पार्टी दोबारा से सरकार बनाने के प्रति आश्वस्त है। राकेश बैना, जी मीडिया, पानीपत।